भाषण देने में बहुत अच्छा है हम लोग, भाषण देने में बहुत अच्छा है। बुभाग्रा एक लोकथम बोलने में सब चलता है, लेकिन जो बुभाग्रा बोल रहा है उसको आप लोग नहीं सुन रहे। आज यहां में हमने ये पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है, ये सेमिनार जैसा है, आपको हम अपना दिल का बात बोल रहे हैं। आज ये मीटिंग खत्म हुआ, इसके बाद सदर सिपाही चाला, उसके बाद अम्बासा, उसके बाद तेलियामुरा, ख्वाय, हम सब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लीडर सबको बुला रहा है और हम यही बात बोलने वाला है जो आपको बोल रहे हैं। मैंने नोटिस किया है यहां में साउथ में करबुक हो, मनु हो, जुलाईबारी हो, सबरूम हो, शांतिर बाजार हो, मैंने क्या देखा है? थानसा कहां है आपका? कहां है थानसा? कोई रियांग के बारे में बात करता है तो कोई त्रिपुरा के बारे में बात करता है तो कोई मोक के बारे में बात करता है तो कोई चकमा के बारे में बात करता है, अलग अलग आप लोग बात कर रहा है, एक होके नहीं बात कर रहा है आप लोग। कोई गारो के लिए बात करता है, आप लोग पहले से हम लोग का इतना छोटा कम्युनिटी है, सबको एक लेके चलो नहीं, क्या लीडरशिप है यहां में? हमारा ईएम्स है, एमडीसीज है, मैं आपको भी बोलने वाला हूं, आप क्या सिर्फ त्रिपुरा का लीडर है, क्या रियांग का लीडर है या देवबर्मा लीडर है? इसके लिए हमने आपको ईएम बनाया, एमडीसी बनाया पब्लिक ने, इसके लिए आपको नेता बनाया? नहीं, आपको एमडीसी ईएम इसके लिए बनाया गया कि आप त्रिपुरा साथ के लिए काम। आज क्या है ये लीडरशिप? और मैं आपको यहां में सबको बोलने वाला हूं, यहां में सबरूम से लोग आए हैं, कोई बोलता है महाराज आप सबरूम से फाइट करेगा कि नहीं करेगा? अपना शांतिर बाजार में एमएलए कैंडिडेट कौन होगा? करबुक में एमएलए कैंडिडेट कौन होगा? कंचनपुर में कौन होगा? पानी सागर में कौन होगा? आपको एमएलए सीट के पीछे भागना है। जो लोग हमारे सामने आके बोलता है कि हमको एमएलए का टिकट दो वरना हम मौथा के लिए काम नहीं करेगा, आप लोग निकलो, निकलो पार्टी से। आपको पब्लिक ने त्रिपुरा लैंड के लिए वोट दिया है, एमए 1951 से 52 से त्रिपुरा में कम से कम 500 एमएलए आ चुका है बुकुंगबारा का, लेकिन बुकुंगबारा समाज को दोफा को कुछ नहीं मिला। आपको सिर्फ एमएलए बनना है, आपको सिर्फ एमडीसी बनना है, ईएम बनना है, हमको देखो, हमको एमपी ऑफर किया गया है, आज भी ऑफर किया गया है, लेकिन हम क्या बोलता रहता है, हमको नहीं चाहिए 13 लाख त्रिपुरा सा को कुछ देना है, 13 लाख। हम सिर्फ एक जाति के बारे में बात नहीं करता है, और मैं आपको यहां में क्लियरली बोलना वाला हूं, एमएलए एमएलए एमएलए, अरे जब होगा तब होगा। पहले विलेज काउंसिल इलेक्शन है, अपना कमी से जीत के आओ, अपना गांव से जीत के आओ, उसके बाद हम लोग एमएलए के बारे में बात करेगा। पहले सेमीफाइनल जीतो, आप लोग फाइनल जीतने का कोशिश कर रहे हैं। विलेज काउंसिल इलेक्शन अगर हम लोग नहीं जीतता है तो क्या एमएलए जीतेगा? ग्रुपिज्म, इसी के लिए 70 साल से, इसी के लिए 70 साल से हम लोग टूट चुका है। ये हमारा गांव का है, हम इसका आदमी है, हम उसका आदमी है, हम महाराजा का आदमी है। महाराजा का आदमी कोई नहीं है, आप लोग सब महाराजा का, कोई स्पेशल नहीं है।
जो स्पेशल है वो तिप्रालैंड, ग्रेटर तिप्रालैंड कम्युनिटी के लिए जो बात करता है वही महाराज का आदमी। महाराज का सामने सेल्फी ले लिया, हम महाराज का आदमी है, और फोटो ले लिया ऐसा करके, हम महाराजा का आदमी है। जो ग्रुपिज्म नहीं करता है वो बुबागरा का आदमी, जो ग्रुपिज्म नहीं करता है वो बुबागरा का संघ है TWF में। और हम आपको बोल रहे हैं हमें MDCs है, EMs है, पार्टी मंत्री पद से ADC से बड़ा है, हम लोग का पार्टी इज बिगर, बिकॉज जो आप लोग MDC EM है सिर्फ 5 साल के लिए है, 5 साल भी नहीं हो सकता, कम भी हो सकता है, लेकिन अगर पार्टी रहा और हार रहा दफा रहा तो ही हम लोग पावर में रहेगा। तो यहां में कौन है जिसको MLA का टिकट चाहिए, हाथ उठाओ तो, हाथ उठाओ, ओई नंदू उठाओ हाथ। लास्ट टाइम क्या बोला, सबके सामने आपको हम बोल रहे हैं, नंदू बोला कि हमको MLA नहीं देगा, पार्टी में नहीं रहे। नंदू दफा के बारे सोचो दिल से, बुबागरा एक लोकथम बोलने से नहीं होता है। कहां है यहां में करबुक का लीडर लोग, कहां है? अब सब चुप हो गया, कहां है संजय मानिक? अपना गांव से जीत के दिखाओ नंदू, अपना विलेज काउंसिल जीत के दिखाओ, उसके बाद हम लोग बात करेगा क्या होने वाला है। पहले अपना गांव में विलेज काउंसिल में जीत के दिखाओ, और ग्रुपिज्म नहीं होगा, वरना आई एम टेलिंग यू विजय बाबू बैठो, आई विल रिजाइन, मैं छोड़ देता हूं, छोड़ दो। क्यों? आप बीजेपी में भी जाके MP बन सकता है, MLA बन सकता है, जाओ ना बीजेपी जाके, CPM जाके, कांग्रेस जाके, MLA बन जाओ। हम लोग को पावर में आके 1 साल से ऊपर हुआ है, हमने आज तक पॉलिटिक्स करता है, इसी के लिए हम लोगों का पब्लिक हम लोगों ऊपर विश्वास नहीं करता है। हाँ राजनीति में कुछ चाहिए मानता हूं, लेकिन राजनीति का यह मतलब नहीं होता है कि आप जाति को पीछे रखें। भाषण देने से, सिर्फ भाषण देने से नहीं होता है, दिल भी बड़ा करो। विलेज काउंसिल इलेक्शन के लिए फाइट करना है कि नहीं? कब है विलेज काउंसिल इलेक्शन? अक्टूबर में। धनंजय देवजी शिहानुमोग, पहले अपना जगह से जीत के आओ, उसके बाद हमको बोलो कि बुबागरा हमको ये चाहिए। पहले बुबागरा को दिखाओ कि आप अपना एरिया से विलेज काउंसिल में आप ग्रुपिज्म नहीं करेगा, आप लोग जीत के आएगा। अरे इतना तुमको मारो जो 70 साल से हमको नीचे रखा है। एक मिले हमको नागालैंड का MLA